सभी का इस शाम स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी आनंदित हो और उसी आनंद के साथ हम हमारे परमेश्वर की आराधना करेंगे, वो जो हमें आनंदित रखता है, जो हमारे जीवन को आनंद से भरता है। आइए हम उसकी आराधना करें। Oh,
हमने यीशु को ही पाया और हमारा जीवन पूरी तरीके से आजाद हुआ है। हम जानते हैं कि हजारों साल पहले परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने वो जगह क्रूस पर जो हमारी थी, जो आपकी थी, जो मेरी थी, परमेश्वर ने क्रूस पे ले ली और हमें पूरी तरीके से आजाद किया है। और आज हम उसके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। Amen. तो आइए लोगों उसके लिए गीत गाएं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। और एक बार, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे। गाएंगे
अपने आप को जोड़े सारे महिमा होकर खुदा की अशून्य अपने आप को बना मनुष्य समान तूने किया काले अपने आप को जोड़ी सारी महिमा होकर खुदा की अशून्य अपने आप को बना मनुष्य समान बन गया दास समान मृत्यु सही अमृत्यु क्रूस की Yeshu Raja.
तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग में पूरा प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तेरे बिना हम अधूरे हैं, लेकिन तेरे संग हम पूरे हो जाते हैं। धन्यवाद प्रभु कि जब हम तेरे भवन में आते हैं, तेरे उपस्थिति में आते हैं प्रभु, प्रभु हमें वो भरपूरता का जीवन मिलता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हमारे जीवन में राज करता है, हर क्षेत्र में राज करता है। धन्यवाद कि तू हमसे बातें करता है, तू हमसे प्रभु बहुत प्यार करता है। धन्यवाद प्रभु, आमेन। आइए हम यह साथ घोषित करें। इस साल मुझे असामान्य छुटकारा प्राप्त होगा, जो खोया है वह पाऊंगी, जो चुरा लिया गया है वह लौटा दिया जाएगा, जो त्याग दिया गया है वह दोबारा प्राप्त होगा। मेरे खोए हुए मौके और अतीत की असफलताएं मुझे नए स्तर पर पहुंचाने के लिए सीढ़ियां बनेंगी। कभी न खोजे गए क्षेत्रों में मेरा प्रवेश होगा, अतुल्य जीत प्राप्त होगी और परमेश्वर से अधिक मुलाकात होगी। बेमिसाल मौके मिलेंगे, नए दरवाजे खुलेंगे और खजाने मिलेंगे। दिव्य साहसिक कार्य मेरा इंतजार कर रहा है। मैं बीते हुए कल को पीछे छोड़कर मेरे वर्तमान को स्वीकारती हूँ और भविष्य की ओर अपेक्षा के साथ बढ़ती हूँ। यह परमेश्वर का स्वीकारा हुआ साल है, आशीष, उपकार और जयंती भरा साल है। आमेन और आमेन। बड़े खुशी हो रहे हैं आपके बीच खड़े होते हुए। ये मन में है कि मैं परमेश्वर का वचन आपके सामने रखने जा रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि आराधना के दौरान परमेश्वर हमारे बीच है और वो हमें स्पर्श करता है। मैं आशा करता हूँ ये वचन आपके लिए प्रोत्साहन, जीवन और ज्ञान लाएगा जो हमारे जीवन को उज्जवल बनाए। धन्यवाद देता हूँ हमारे मीडिया टीम, आराधना टीम के लिए जो हर हफ्ते मेहनत करते हैं ताकि हम परमेश्वर का आनंद ले सके। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आओ, हमें अभिषेक दो, हमें हम आपके शब्दों को कहे जो दिलों में जीवन और ताकत और समृद्धि लाए, यीशु के नाम में, आमेन। दिसंबर 3 को हमारे कलीसिया से कुछ अगुवे, कुछ लोग जो जिम्मेदारी लेते हैं, हम 2 दिन के लिए बाहर गए बैजल प्राजबान के साथ। वहाँ पर हमारा मकसद यही था कि साल आने वाले नए साल में परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है वो सुनने के लिए। और इस बार हमने कुछ अलग की और अलगाव में एक प्रक्रिया यह भी था कि हमने दीवारों पर बड़े चार्ट्स लगाए, बड़े लंबे कागज़ लगाए ताकि हम लिख सके
कि परमेश्वर जो कह रहा है और उसको देख सके, उस पर मनन कर सके और जो चीज़ लिखा है उसमें और स्पष्टता प्राप्त कर सके। ऐसे में हमने एक शब्द लिखा प्रार्थना के बाद, अलग अलग गवाहियों के बीच, संगीत के बीच, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करने के बीच यह शब्द लिखा, और वो शब्द था कदम उठाना। कदम उठाओ, इस रीति से मैं कहूँगा, कदम उठाओ। सामने लिखा हुआ था एकदम स्पष्ट हमारे नज़रों के सामने, कदम उठाओ और या उठाना, और आपको यह स्पष्ट बता रहा था कि हमें कुछ करना है। आज मैं इसी विषय के बारे में कुछ कहूँगा और आशा करूँगा कि परमेश्वर आपके हृदय में कुछ बात करे। गैर रविवार को अंग्रेजी कलीसिया में बैजल प्राजबान एक सुंदर प्रचार लाया, बहुत उत्साह देने वाला प्रचार, और उसमें से मैंने दो लाइन पर मनन किया घर जाकर। दोनों लाइन नई नहीं थी, परंतु उस पर मनन करते वक्त कुछ तो मेरे अंदर जाग उठा। सबसे पहला लाइन ये था कि हर परिस्थिति का हल है, हमेशा हर परिस्थिति का हल है। और जब मैं मनन कर रहा था इसके बारे में, मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि बेनी देखो मैं इसे पूरा करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे तरीके, मेरे मार्ग को खोजना पड़ेगा। हर परिस्थिति का हल है। दूसरा शब्द था कि परमेश्वर हर परिस्थिति भलाई के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है, वो अंत में उसका भलाई लाता है। इस पर मनन करते वक्त मैंने ये, मेरे अंदर ये विचार आया कि मैं जीवित रहूंगा परमेश्वर को पूरा करते हुए देखने, मैं जीवित रहूंगा और मैं अपनी आंखों से देखूंगा परमेश्वर इस परिस्थिति को पूरा करते हुए। आइए मैं तीन कदम आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे आप कदम उठाने के बारे में आप कुछ ठोस कर सके। सबसे पहला कदम हम तब उठा सकते हैं जब हमारा जवाब प्रभु मैं यहां हूं हो। मैं वापस दोहराता हूं, कदम हम तब उठा सकते हैं जब हमारा जवाब प्रभु मैं यहां हूं हो। चार व्यक्तियों का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। इब्राहिम, उत्पत्ति 22 में परमेश्वर उसे बुलाता है तो वो कहता है इब्राहिम, इब्राहिम का जवाब था प्रभु मैं यहां हूं। ये तब उन्होंने कहा था जब प्रभु उसकी परीक्षा ले रहे थे। जब आपके जीवन में परीक्षा का घड़ी हो तो क्या आप जवाब दे सकते हो प्रभु मैं यहां हूं? याकूब, उत्पत्ति 31 वचन 11 में स्वप्न में स्वर्गदूत आकर उसका नाम पुकारता है और वहां पर वो कहता है कि मैं यहां हूं। और मैं आपके सामने यह विचार रखना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के साथ स्वप्न देखते हो तब आप क्या ये जवाब दे सकते हैं प्रभु मैं यहां हूं? मूसा, निर्गमन 3:4 में जलता हुआ झाड़ी को देखता है जो नहीं जला हकीकत में, और यहां पर जब प्रभु मूसा कहकर पुकारता है वो उसे कहता है प्रभु मैं यहां हूं। क्या आप तब जवाब दे सकते हो जब आपके कल्पना, सोच और समझ के बाहर परिस्थिति आपके सामने उभर कर आ रहा है, तब आप ये जवाब दे सकते हो प्रभु मैं यहां हूं? और आखिरकार नन्ना सा सैमुएल, 1 Samuel 3:4, परमेश्वर ने सैमुएल पुकारा, उसने कहा प्रभु मैं यहां हूं। प्रश्न ये है, क्या बचपन में या आपके मसीह जीवन के शुरुआत में आप प्रभु से ये कह सकते हो कि प्रभु मैं यहां हूं? जब आप और मैं ये जवाब देते हैं प्रभु मैं यहां हूं, ये तीन बातें दर्शाता है। सबसे पहला यह दर्शाता है कि आप विश्वास से चलने को तैयार हैं, आप विश्वास से चलने को तैयार हैं।
दूसरा यह दर्शाता है कि आप प्रभु को समर्पण करने की इच्छा रखते हैं। हर परिस्थिति हर पल आप प्रभु को समर्पण करने की इच्छा रखते हैं। तीसरा यह दर्शाता है कि आप उससे निरंतर सुनने को तैयार है। आप उसे निरंतर सुनने को तैयार है। प्यारे लोगों, आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपका पगला देने वाला सपना या निरंतर करने वाली प्रार्थना, इसमें परमेश्वर एफिसियों 3:20 का योजना पूरा करना चाहता है। अभी केवल आपके समझ के लिए मैं एक नया सिद्धांत नहीं रख रहा हूँ, आपके समझ के लिए मैं दो वचन लाना चाहता हूँ और इस दो वचन में एक अंतर लाना चाहता हूँ। यरमिया 29:11 सभी का जाना माना पसंदीदा वचन है, मैं जानता हूँ वो विचार जो तुम्हारे प्रति मैं सोचता हूँ, वह विचार शांति का है, हानि नहीं पहुँचाने का है, भविष्य और आशा देने का विचार है। ये वचन आप सभी को याद है, बहुत पसंदीदा वचन है। ये पुराना नियम में था, लेकिन नया नियम में एफिसियों 3:20 में आप देखेंगे पॉल कहता है, अब उनको यानी कि परमेश्वर को जो हमारे सोच और मांगने के अधिक मात्रा से बाहर उत्पन्न उत्तम कार्य कर सकता है, उसके सामर्थ्य के अनुसार जो हमारे अंदर कार्य करता है। याद रखिए, पॉल जानता है यीशु आ चुका है, क्रूस पर उसने जान दी, और पॉल जानता है यीशु ने अपने शिष्यों को एक प्रतिज्ञा छोड़ा, और वो प्रतिज्ञा यह था कि तुम मुझसे अधिक मात्रा में या सामर्थ्य में कार्य करोगे, ठीक है, इससे भी अधिक महान कार्य करोगे, उसने यूहन्ना में कहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या इब्राहिम और याकूब और सैमुअल और अननिया को आप अगर देखोगे तो यहां पर आपके पास कुछ सीखने के लिए कुछ है क्या? इब्राहिम केवल एक ही चीज प्रभु से चाहता था, उसका पगला देने वाला सपना यह था, प्रभु मुझे एक संतान दे, बुढ़ापे में संतान दे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि परमेश्वर ने उसको जीवित रहते ही 100 साल के उम्र के बाद एक नहीं बहुत संतान दिए। आज वो हमारे बीच नहीं है इस धरती पर, तब भी उन्हें संतान दे रहा है। याकूब, वह केवल यही चाहता था कि मेरे पगार से, मेरे वेतन से कोई मुझे धोखा मेरा मामा न दे, लेकिन प्रभु ने उसको इतना समृद्ध कर दिया और इतना शक्तिशाली बनाया कि उसके मामा से भी ज़्यादा, उसके बड़े भाई या उसके भाई यूसुफ से भी ज़्यादा, और जिस प्रदेश से गुजर रहे थे उन लोगों से भी ज़्यादा। सैमुअल, वह इली का सेवा करना चाहता था, छोटा सा लड़का था वो, प्रभु ने उसको खड़ा किया उसी भावना के साथ और उसी दर्शन के साथ कि केवल एली नहीं परंतु सारा इज़राइल का तू सेवा करेगा। और अननिया, जिसका नाम मैं पहले चार में नहीं गिना, वह व्यक्ति जब उसने कहा कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, वह बिल्कुल जानता नहीं था, वो एक ऐसे शख्स को छूने वाला था और प्रभाव डालने वाला था जिसका नाम था पॉल, जो मसीह जगत में आज 2022 में भी मान्यता प्राप्त व्यक्ति है। प्यारे लोगों, आपका पगला देने वाला सपना आपके हाथों में, आपके नज़र में बहुत बड़ा समझता होगा, लेकिन प्रभु के नज़र में वो एक मामूली सा बी है, और उसको लेकर वह उसको विशाल, महान और अति उत्तम बनाना चाहता है, आपके सोच के बाहर, मांग के बाहर। तो पहला कदम है, प्रभु मैं यहाँ हूँ, वह प्रार्थना, वह जवाब दे, तो आप कदम उठा सकते हो। दूसरा कदम यह है कि कदम हम तब उठा सकते हैं जब जैसे थे वैसे रहे, इस सोच से बाहर निकले। कदम हम तब उठा सकते हैं जब जैसे थे वैसे रहे, इस सोच से बाहर निकले। मैं पौलुस का जिंदगी के और आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। प्रेरितों के कार्य 9 में पौलुस प्रभु को साथ मुलाकात करता है, अंधा होता है, और अननिया को प्रभु बताता है 9:15 में कि देखो मैंने इसको एक
एक पात्र के समान चुना है, जो मेरे नाम को अन्य जातियों के बीच, राजाओं के बीच और इज़राइल के संतान के बीच फैलाएगा। पॉल जब ये दर्शन वो पाता है, तब उसने क्या किया? उसने प्रेरितों के कार्य 9:19 में कहा गया है, वो दमिश्क नगर में थोड़ी देर ठहरा, हमें पता नहीं कितना देर, वहां से वो अरेबिया चला गया और अरेबिया में कुछ समय रहने के बाद वो दमिश्क नगर वापस आया। और गलातियों 1:17-18 बताता है कि इस दरमियान, इस समय का अंतर जो है वो 3 साल का था। तो पॉल के जीवन से हम 4 बातें सीख सकते हैं। सबसे पहला, भले ही फरीसी होने के नाते, भले ही वो यहूदी था और वो ज्ञानी था, वचन गमलियेल के अंदर सीखा था, यह व्यक्ति अपने जीवन के प्रति ताजे तरीके से परमेश्वर को खोजता है, ताजे तरीके से परमेश्वर को खोजता है। नंबर 2, वह परमेश्वर से ही शिक्षा पाने की इच्छा रखता है और पॉल खुद कहता है पवित्र आत्मा ने उसे 3 साल सिखाया। उसने अपना रहन का स्थान बदल दिया। ये रहन, रहना या घर या वो घोसला जो है, ये शब्द मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में रख रहा हूं क्योंकि मैं आपको इसके बारे में समझ देना चाहूंगा। और उसका दर्शन इन 3 सालों में, वह पानी से पत्थर समान बन गया, यानी कि अटल बन गया, यानी कि दृढ़ बन गया, शक्तिशाली बन गया। तो यहां से हमें क्या सीख मिलता है? हमें सीख मिलता है, पहला, हमारे पगला देने वाले सपने को लेकर हम प्रभु से कहे, प्रभु इस स्वप्न के द्वारा मैं आपको जानना चाहता हूं, इस स्वप्न के द्वारा मैं आपको जानना चाहता हूं। ये साल 2021 मेरे लिए उसका प्रयोजन जानने का एक महान स्तर में मैंने जाना है, लेकिन 2020 को मैंने परमेश्वर को दुख में जाना। मैं जाना कि कितना भी शरीर अंदर कलेश उठा सके या झेले, परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं। उसका भावनात्मक स्पर्श, उसका शारीरिक स्पर्श, उसके ज्ञान से स्पर्श, ये एक अलग स्तर का है, ठीक है। नंबर 2, कि हमें परमेश्वर से ये पूछना चाहिए, प्रभु मुझे तुम्हारे तौर तरीके सिखाए। तुम पुराने नियम में, नए नियम में लोगों से मुलाकात कैसे किए? उन्होंने क्या किया जो आपको संतुष्ट किया? कितने बार जो प्रतिज्ञा दिया एक व्यक्ति को, आप बार बार उसके लिए अंगीकार दे रहे थे, उनका डर और अविश्वास निकालने के लिए आपने क्या क्या किया? यह प्रश्न आपने, आपके तौर और तरीके मुझे सीखना है। तीसरा चीज, मुझे अपना रहन, रहने का, परमेश्वर के साथ रहने का अर्थ यह है, मैं परमेश्वर को महसूस करूं, मैं उसको जानूं, मैं उसको सुनूं, मैं उसको प्रेम दूं, उससे प्रेम पाऊं और परमेश्वर से बिल्कुल कोई मेरा ध्यान हटा न सके, ऐसे जीवन शैली में जीऊं। और फिर वो समय आता है जब हमारा पगला देने वाला स्वप्न हमें अंदर से जलाता है, जागृत करता है, जोशीला बनाता है। हमारा प्रार्थना और प्रभु का प्रतिज्ञा, ये दोनों हमें जगाता है और उस जगह पे लाता है। शत्रु जो कुछ भी फेंके, वह कुछ नहीं कर सकता। रोमियो 4:18 इब्राहिम के बारे में ये कहता है कि आशा के विपरीत उसने विश्वास किया, वह सारे राष्ट्रों का पिता बना, जैसा उसके ऊपर कहा गया था कि तुम में से मैं संतान उत्पन्न करूंगा या वंश उत्पन्न करूंगा। उसका विश्वास कमजोर नहीं हुआ जब उसने अपने शरीर और सारा का कोख देखा। वो जानता था ये बिल्कुल मर चुका है। उसने अपने प्रतिज्ञाओं पर जो परमेश्वर से सुना था, उससे कभी अविश्वास को हावी नहीं होने दिया, परंतु उसने अपने विश्वास को दृढ़ किया परमेश्वर को महिमा देते हुए। तो इब्राहिम से हम कुछ सबक सीखे ताकि हम जैसा है वैसा ही हो, उससे हटे। और वो क्या है? सबसे पहला, उसने अपने आशा परमेश्वर के वचन के आधार पर बनाया, ठीक है। आशा मनुष्य के ऊपर नहीं, परिस्थिति के ऊपर नहीं, भावना के ऊपर नहीं, परमेश्वर जो कहा था उसी पर रखा। उसने अपना विश्वास को के ऊपर उसने चौकीदारी की,
उसको संभाल के रखा, उसको कभी कमजोर होने नहीं दिया, ये कहते हुए अरे मेरे शरीर को देखो यार, इस बुढ़ापे में क्या होगा, इस बूढ़े के साथ क्या होगा, ठीक है, या अपने बीवी के साथ, अब तो वो बच्चा दे नहीं सकती है तो जाने दो, छोड़ दो, नहीं, ऐसी बातें नहीं कही। उसने अपने अविश्वास के ऊपर जीत हासिल की क्योंकि वो निरंतर परमेश्वर को महिमा दे रहा था। और बाइबल कहता है वो पूरी तरह उस जगह पर आए, 100 साल के उम्र में वो पूरी तरह, जैसे करीब हो रहा था, पूरी तरह अपने दिल में वो जान लिया कि परमेश्वर ने कहा है मैं पिता बनूंगा। और जानते हो एक दिन उसे 3 लोग मिलने आए और ये 3 लोगों ने उसे एक वादा किया कि देखो इब्राहिम, अगले साल इसी समय संतान तुम्हें उत्पन्न होगा। और तब से इब्राहिम ने एक ही चीज जीवन में रखा और वो था आशा के साथ जीना। वो जानता था कि अब मेरा स्वप्न पूरा होगा। उसने केवल यही कि 1 साल अपने घर को तैयार किया, अपने नौकरों को तैयार किया। तो दो चीज हमने सीखे कदम उठाने के बारे में। सबसे पहला प्रभु से कहे कि प्रभु मैं यहां हूं, और दूसरा जैसा है वैसा ही रहने दो, वो भावना से हम हटेंगे। तीसरा चीज, ऊपर कदम रखने के लिए अब पवित्र आत्मा के साथ चलो। ऊपर कदम रखने के लिए आप पवित्र आत्मा के साथ चलो। ये एक ऐसा साल है जहां आपको अपना स्वप्न पूरा होते हुए देखने के लिए जोखिम लेना होगा, कुछ योजना बनाना होगा, क्योंकि शब्दों से ज्यादा ऊंचा बोलने वाला वो है हमारा कार्य। यीशु एक दिन शिष्यों से कहा कि परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वह मजदूर भेजेंगे, फसल बहुत है काटने के लिए मजदूर भेजेंगे। फसल को देखते खुश होने वाले बहुत होते हैं, फसल को देखकर ये कहने वाले कि बहुत फसल है बहुत होते हैं, लेकिन काम करने वाले कुछ ही होते हैं। क्या आप जोखिम लेने वाले बनोगे? क्या आप योजना बनाने वाले बनोगे? दाविद और गोलियात के कहानी में आपको एक चीज जानना होगा। 1 सैमुएल में जब सैमुएल आकर दाऊद के ऊपर तेल उंडेलता है और कहता है तू इज़राइल का राजा बनेगा, उस दिन से उसका जिंदगी पूरी तरह बदल जाता है। और बदल जाता है क्योंकि आप देखेंगे उसने एक निर्णायक कदम उठाया, क्योंकि अगले अध्याय में आप पढ़ता है वो युद्ध के मैदान में पहुंच गया। उसका जिम्मेदारी यही था, उसके पिताजी दिया गया द्वारा वह था कि अपने भाइयों को जाकर कुछ खाना दे। उसे बिल्कुल उस जगह नहीं जाना था जहां युद्ध चल रहा था, उसे बिल्कुल उस जगह नहीं जाना था जहां राजा खड़ा था, उसे बिल्कुल उस जगह नहीं जाना था जहां राजा उसको अपने वस्त्र पहनाते थे, युद्ध का वस्त्र, और उसे बिल्कुल वहां नहीं जाना था जहां गोलियात चिल्ला रहा था, और उसे बिल्कुल वहां नहीं जाना था अपने गोफन लेके गोलियात से लड़ने के लिए। लेकिन जब आप प्रभु के साथ चलते हो, वो एक दिन आ जाता है आपके जीवन में जहां आपको लगता है आज प्रभु मेरा साथ है, आज ये दिन मेरा है, और परमेश्वर वो भावना तुम्हारे अंदर पैदा करना चाहता है। और इसीलिए वो चाहता है तुम डेटा इकट्ठा करे, तुम जानकारी इकट्ठा करे तुम्हारे स्वप्न के बारे में, उसके बारे में, तरीकों के बारे में, क्या कदम उठा सकते हो छोटे और बड़े, और फिर योजना बनाइए परमेश्वर के लिए और दाऊद के लिए। वो 5 पत्थर बहुत काफी था गोलियात को गिराने के लिए। 1 विश्वास का कदम, 1 अच्छी योजना आपका पगला देने वाला स्वप्न पूरा करेगा। सुनो, आप कभी अपने आप को सोचो नहीं कि मैं लकी कब बनूंगा। आप ये सोचो कि मैं किस तरह परमेश्वर के साथ ये हासिल करेगा। एक समय आ रहा है आपके सपने के दिशा में कुछ कदम उठाइए। दूसरा, अवसर को पहचानने के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाते रहिए अपने अंदर, दरवाजा खुलेगा आपको पता चलेगा। और तीसरा, बड़े दिन के लिए तैयार कीजिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 1999 में मैं इंग्लैंड गया था, उस टाइम पास्टर बिली कैनेडी वो उस शाम प्रचार किया और कहा कि मैं चाहता हूं तुम्हारे स्वप्नों को लिखे,
और पहले हमें समय दिया गया हमारे स्वप्न सोचने के लिए, और स्वप्न सोचने के मैंने ये सोचा कि मुझे भारत के 11 प्रदेशों में जाकर या तो वचन सिखाना है, या तो प्रचार करना है, या तो लोगों को परमेश्वर के बारे में कुछ तो करना है। और मैंने ये चावल के पेपर में, सादा कागज में नहीं, चावल के पेपर पर लिखा था, और प्रभु भोजन के समय हमने उसको खाया। और जानते हो आज 2022 तक मैं जब गिनता हूँ, तमिलनाडु, कर्नाटका, हरियाणा, यूपी, जम्मू कश्मीर, गोवा, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और हमारे महाराष्ट्र, 11 प्रदेशों में मैं वचन सिखाया है या प्रचार किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका स्वप्न जरूर पूरा होगा। और आपसे कहना चाहता हूँ, क्या तुम पवित्र आत्मा के साथ बहोगे, जाओगे, उसके अगुवाई के पीछे चलोगे, तुम्हारा पगला देने वाला स्वप्न वो पूरा करेगा। अगर तुम सुन रहे हो और यीशु को नहीं जानते हो, मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, ये वो समय है जब आप उसको दिल में जान सकते हो। केवल यही कहना पड़ेगा, मेरे पीछे कहिए, प्रभु मैं पापी हूं, मैं तलाश कर रहा हूं आपको, और आपने जो बलिदान क्रूस में दिया है उसे मैं ग्रहण करता हूं, वो लहू से मैं मांगता हूं मुझे क्षमा कर, मुझे दो डाल, और अब मैं आमंत्रण दे रहा हूं मेरे जीवन में आप प्रवेश करो और मुझे अगुवाई करो, ताकि मेरा जीवन एक नए कदम मैं उठा सकूं नए पड़ाव पर आने के लिए। यीशु मसीह, मैं घोषित करता हूं आप मेरा राजा और प्रभु है, आमेन। अगर आपने प्रार्थना की, जरूर हमसे संपर्क कीजिएगा। बाकी लोगों से मैं आपको कहना चाहता हूं, प्यारे लोगों, कदम उठाओ, कदम उठाओ, कदम उठाओ, ये कहकर प्रभु मैं यहां हूं, कदम उठाओ, क्यों ये भावना को छोड़ने के लिए कि जैसा है वैसा ही रहे, कदम उठाओ क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारा अगुवाई करता है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक सुनने वाले को एक नई जगह पर इस फरवरी के महीने में आप उन्हें खड़ा करो, वह अपने कलेश में, अपने न समझ में, अपने स्वप्न में, अपनी सेवा में, वह यह जाने कि वह कह सकता है, प्रभु मैं यहां हूं। प्रभु इब्राहिम की तरह हम आशा को आपके वचन के आधार पर रखना चाहते हैं। हम गए साल के परिस्थिति के ऊपर नहीं, हम अपने स्वप्न को अपने अंदर एक आग के समान महसूस करना चाहता है, ताकि जब मौके का दरवाजा खुलेगा हम पहचान सके, हमारे अंदर वो संवेदनशील ना हो कि हम इसे पहचान सके। और अंत में प्रभु, पवित्र आत्मा आप हमें ले चलो, आप हमें ले चलो, हमें जोखिम उठाने का हिम्मत दे, हमें योजना बनाने का बुद्धि दे, यीशु के नाम में, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे, एक अच्छा रविवार आपका हो, और कदम उठाओ।